हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम जाने हैं कैसे आपको फाइवर के ऊपर नीश सिलेक्ट करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि फाइवर के ऊपर आप पूरी प्रोफाइल मतलब सारे काम नहीं कर सकते एक साथ में। जैसे अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है तो आप सारे ग्राफिक डिजाइनिंग के काम एक साथ नहीं कर सकते हैं, आपको एक नीश बनानी पड़ती है, उसके ऊपर अपनी गिग बनानी पड़ती है। इस तरह से फाइवर पर वर्क किया जाता है। तो हम जाने हैं कैसे आपको नीश सिलेक्ट करना है इस वीडियो के अंदर। इससे पहले वाली वीडियो हमने देखा था कैसे आपको प्रोफाइल सेटअप करना है और फाइवर पर अकाउंट कैसे बनाना है, प्रोफाइल कैसे सेटअप करना है। इससे पहले वीडियो हम जान चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी पहले आप जाइए उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपका प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ नहीं करते हैं तो फाइवर को ऐसा लगता है कि आप एक स्पैमर हैं जो कि स्पैम करना है, तो इससे वजह से आपकी प्रोफाइल जो है रैंक नहीं होती है। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, देखते हैं कैसे आपको नीश सिलेक्ट करना है। तो इससे पिछले वाली वीडियो हमने देखा था कि कैसे आपको जो है प्रोफाइल बनानी है, और हमने प्रोफाइल बना ली थी। अब आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिख रही होगी, लेकिन उस वीडियो में कुछ चीज़ें मिस हो गई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ें मिस हो गई थी। सबसे पहले आपको देखना है योर डिस्प्ले नेम, जो कि उस वीडियो में मिस हो गया था। तो डिस्प्ले नेम का मतलब क्या है, मैं आपको सबसे पहले वो दिखाता हूँ। तो मैंने एक प्रोफाइल ओपन करके रखी है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रोफाइल है एक बंदे की जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर है, जो कि लोगो बनाता है। तो आप देखिए उसकी प्रोफाइल में आपको ये वाला सेक्शन नेम दिख रहा है उसका ऊपर, तो ये उसका नेम है। तो ऐसे आपको एक नेम सिलेक्ट करना होता है जो कि आपका बायर वगैरह आपको सर्च करेगा उसको आपका नेम दिखेगा। तो हम यहाँ पर एक नेम लिख लेते हैं। तो आपको नेम कैसा लिखना है, आपको नेम लिखना है अपनी स्किल से मिलता जुलता, जो कि आपकी स्किल से मिले। तो मैं इस वाले अकाउंट पे जो है थंबनेल डिज़ाइन की एक गिग बनाऊँ आगे जाकर, तो मैं क्या रखूँ, क्योंकि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड के अंदर हूँ, तो मेरा नाम मैं अभी रख रहा हूँ ग्राफिक्स और दीपक को मिला के एक नाम बना लेता हूँ, वही नाम हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ओके करूँगा और वहाँ पर यहाँ पर लिख देता हूँ दीप ग्राफिक। इस तरीके से मैं एक नाम बना देता हूँ अभी के लिए, दीप ग्राफिक, सेव डिस्प्ले नेम। तो ये मेरा यहाँ पर नेम आ गया है। तो इस तरीके से आपको अपना नेम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद ये वाला जो है यहाँ पर आपने देखा होगा, ये वाला यूआरएल हमने पिछली क्लास में बनाया था। यहाँ पर मैंने डिजिटल दीपक लिख दिया था, जैसे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड के अंदर काम करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर डिजिटल लिख दिया था, तो वो गलती से लिख दिया था। आप उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि वैसे भी मैं इस अकाउंट को रखने वाला नहीं हूँ, आपको सिखाने के लिए बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पर भी वही इसकी लिखना जो आपको यहाँ पर रखना है। जैसे अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में वर्क करना चाहता था, आपको यहाँ पर भी नाम जो है ग्राफिक दीपक इस तरीके से नाम आपको रखना है जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग को रिप्रेजेंट करे, इससे आपको रैंकिंग में हेल्प मिलेगी। और सेकेंड सेक्शन में आपको ये पेंसिल दिख रही है सेकेंड वाली, इस पेंसिल पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर लिखना है आपको व्हाट्स योर स्टोरी इन वन लाइन, मतलब आप क्या काम करते हैं आपको एक लाइन के अंदर लिखना है। तो जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और आप थंबनेल बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अभी के लिए आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर एंड विल क्रिएट कैची थंबनेल्स फॉर यू। इस तरीके से आपको लिख देना है। मैंने अभी कुछ रिसर्च नहीं की है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। आपको थोड़ा सा सोच समझ के लिखना है आप क्या वर्क करते हैं और आप क्या लिख सकते हैं, आपको वही यहाँ पर लिखना है। तो इसमें लिखा है टेक्स्ट मस्ट कंटेन ओनली लेटर्स, तो मैंने कुछ गलती से यहाँ पर और कुछ भी लगा दिया है, तो मैं आप यहाँ पर हटा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया था, मैंने फुल स्टॉप हटा दिया है। तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाना है आपको, फुल स्टॉप लगाएंगे तो आपको वो एरर दिखाने लग जाएगा, तो आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है इसमें। इस तरीके से आपको अपनी स्किल के बारे में एक लाइन के अंदर लिखना है, तो आप लिख दीजिएगा अच्छे से सोच समझ कर थोड़ा आप क्या वर्क करते हैं उसके बारे में। उसके बाद मैंने आपको इसके बारे में बताया था अर्न बेजेस एंड स्टैंड आउट, तो इससे पिछले वाली वीडियो में थोड़ा इसके बारे में बता नहीं पाया आपको सही से कि आपको क्या एक चीज़ एक्चुअली है। तो ये है इनरोल नाउ, तो ये होते हैं अर्न बेजेस। ये आपको बेजेस जब मिलते हैं जब आप फाइवर का कोई कोर्स करते हैं। यहाँ पर फाइवर के बहुत सारे कोर्सेज भी हैं हर स्किल के ऊपर, अगर आप उस स्किल का कोर्स यहाँ से करते हैं तो आपको यहाँ पर फाइवर एक बेस देता है उसकी स्किल का, तो वो बेस यहाँ से मिलते हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं आप चाहें तो कोर्स कर सकते हैं किसी स्किल के ऊपर यहाँ से, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है आपको कोर्स करना ही है यहाँ से कोई, उसका उससे आपको थोड़ी सी बहुत रैंकिंग में हेल्प मिलती है, इतनी भी नहीं, 1% या 2% आप मान सकते हो, आपको थोड़ा सा एज मिल जाता है एक्स्ट्रा लोगों से। तो ये यहाँ पर चीज़ें आपके पास पैसे हो तो आप कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था लैंग्वेज के बारे में बताया था नेक्स्ट वीडियो में। लिंक अकाउंट, आपको अपने जितने अकाउंट सारे यहाँ पर लिंक कर देना है, इससे आपकी अथॉरिटी बिल्डअप होती है। और सर्टिफिकेट, अगर आपके पास अपनी स्किल के अंदर कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो ये सेक्शन मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था पूरा, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, जो चीज़ें बच गई थी मैंने आपको बता दी इसके अंदर। अब हम चलते हैं हमारी वीडियो के टॉपिक के ऊपर, जो कि था नीश सिलेक्ट करना, कि आपको नीश कैसे सिलेक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नीश होती क्या है, तो अगर आपने पिछली वाली वीडियोस में ही नहीं देखी स्किल के ऊपर कि कितनी स्किल्स होती है, क्या क्या वर्क आप कर सकते हैं, तो फिर तो आपको मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको वर्क आता ही नहीं होगा कोई भी वर्क। अगर आप यहाँ तक आए हैं मतलब आपको कुछ ना कुछ वर्क आता होगा, वही उसकी सर्विसेज आप प्रोवाइड करना चाहते हैं लोगों को। तो अगर आपको वर्क पता नहीं है वर्क क्या होता है, क्या आपको वर्क प्रोवाइड करना है, सबसे पहले आप उन वीडियोज़ को देखिए मेरी जो स्किल्स के ऊपर बनी हुई है। इसी सीरीज़ के अंदर मैंने आपको कुछ वीडियो बताई थी पहले हर स्किल के बारे में, जैसे कंटेंट राइटिंग क्या होता है, वीडियो एडिटिंग क्या होता है, कहाँ से इनको सीख सकते हैं फ्री के अंदर। तो आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर लीजिए, एक स्किल सीख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर आइए, वही स्किल आपकी नीश होगी, उस नीश के अंदर आप वर्क करेंगे। तो हम चलते हैं। तो सपोज़ कीजिए अभी के लिए आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मैं आपको थंबनेल डिज़ाइन के बारे में बताने वाला हूँ,
इसका मतलब आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सिलेक्ट किया होगा, मतलब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड के अंदर तभी थंबनेल बना रहा हूँ। तो मैं अभी ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड के अंदर आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर आप दूसरी फील्ड में भी हैं जैसे वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है अपनी नीच को सिलेक्ट करने के लिए। तो देखिए आप यहाँ पर आइए ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, तो आपको दिख रही है लोगो डिजाइन, ब्रांड स्टाइल गाइड्स, फॉन्ट एंड टाइपोग्राफी, गेमिंग एंड आर्ट। तो ये इसकी जो है सब नीचेस है, मतलब अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर इन इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं तो आपको इनमें से अपनी एक सर्विसेज चूज कर लेनी है। जैसे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आता हूँ, तो आपको दिख रहा है लोगो डिजाइन, ब्रांड स्टाइल गाइड्स, फॉन्ट एंड टाइपोग्राफी। तो आपको हर स्किल को थोड़ा सा ओपन करके देखना है कि हर स्किल के अंदर क्या क्या वर्क होता है। जैसे आप लोगो डिजाइन को ओपन कर लीजिए, आप सोशल मीडिया डिजाइन को ओपन कर लीजिए, और आपको सिलेक्ट करना है इसके अंदर से कि आप क्या वर्क कर सकते हैं और किसमें कॉम्पिटिशन कम है। आपको नीच सिलेक्ट करते समय ये ध्यान रखना है कि कॉम्पिटिशन भी उसमें कम होना चाहिए और उसमें ऑर्डर अच्छे खासे मिल रहे हो लोगों को, तभी आप उस नीच के अंदर वर्क करिए। जैसे मैं इसमें लोगो डिजाइन को ओपन किया है, मैंने आपके लिए मैं कुछ नीचेस को ओपन करके दिखाता हूँ। इसके अंदर इलस्ट्रेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, कार्टून्स को ओपन करके दिखाता हूँ, स्टोरी बोर्ड्स को ओपन करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो मैं कुछ नीचेस को रेंडमली ओपन कर लेता हूँ, पॉडकास्ट कवर्स, इसके अलावा इमेज एडिटिंग, हर कैटेगरी में इसमें आपको कुछ ना कुछ ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए चलते हैं लोगो डिज़ाइन पर। तो आप आइए लोगो डिज़ाइन के अंदर, इसके अंदर 270,000 गिग्स बनी हुई है। अब गिग्स क्या है सबसे पहले आपको बता देता हूँ, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा चीज़ें और भी। तो मैं एक दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए ये है गिग्स आपकी। गिग क्या होता है? गिग होता है आपका वर्क जो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो वर्क आप देंगे वो होती है आपकी गिग। तो आप लिख उसके, आप जो है फाइवर की प्रोफाइल के ऊपर अपनी गिग बनाते हैं, वहाँ पर शो करते हैं कि आप कौन कौन से वर्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रोफाइल है, आप यहाँ को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका टाइटल है कि ये जो है मॉडर्न मिनिमलिस्टिक एंड लग्जरी लोगो बनाता है लोगों के लिए, ये इसका प्रोडक्ट है, ये काम ये करता है। इसके बारे में कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, इसके प्राइजेस वगैरह हैं, ये सब कुछ है। तो हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको, मैंने आपको जो नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि प्रोफाइल कैसे सेटअप करना है, तो ये प्रोफाइल देखो इसकी बनी हुई है। तो हमने नेक्स्ट वीडियो में ये वाली चीज़ देख ली है प्रोफाइल बनाने की, तभी आपकी प्रोफाइल ऐसी बन चुकी है यहाँ पर। तो ये प्रोफाइल आपने बना ली है। अब गिग आपको मैं नेक्स्ट इससे अगली वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने नीच सिलेक्ट नहीं की है तो गिग कैसे बनाएंगे आप। जैसे इसको पता है कि इसको ये वाला काम करना है, मॉडर्न मिनिमलिस्टिक एंड लग्जरी लोगो बनाना है, तो इसने इसके ऊपर गिग बनाई है। अगर आपकी तो गिग बनी हुई नहीं, अभी बनी हुई है नहीं बनी हुई है, तो फिर आप लोगों को वर्क क्या प्रोवाइड करेंगे? सबसे पहले आपको तो आपकी नीच सिलेक्ट करना है, जिससे इसने सिलेक्ट कर रखी है मॉडर्न मिनिमलिस्टिक एंड लग्जरी लोगो डिजाइन। तो हम सबसे पहले अपना जो नीच करते हैं सिलेक्ट, तो नीच सिलेक्ट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसा वो करना है। तो मैंने ग्राफिक डिजाइन के अंदर लोगो डिजाइन, तो लोगो डिजाइन के अंदर आप देखेंगे 270,000 सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो इसमें अगर आप कॉम्पीट करेंगे तो आपको बहुत कम चांस है आपको ऑर्डर मिल जाए, क्योंकि ऑर्डर आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो यहाँ पर जो लोग पहले से अच्छे से काम कर रहे होंगे वो रैंक होंगे, तो आपको ऑर्डर मिलना बहुत ही मुश्किल है। जैसे आप देखिए यहाँ पर अभी तक लेवल टू सैलरी है, लेवल टू, टॉप रेटेड, लेवल टू। तो आप लेवल वन सेलर में होंगे स्टार्टिंग जब करेंगे, तो आपको ऑर्डर कैसे मिलेंगे फिर, क्योंकि लेवल टू लेवल टॉप रेटेड सेलर यहाँ पर रैंक होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी। हाँ, इसके अलावा एक कंसेप्ट होता है कीवर्ड रिसर्च का, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। उस कीवर्ड रिसर्च की हेल्प से आप जो है बहुत सारी चीज़ों पर रैंक हो सकते हैं इस तरीके की, तो आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप समझिए इस चीज़ को, नीच वाली चीज़ को, कि नीच आपको कैसे सिलेक्ट करनी है। तो आप यहाँ पर रैंक तो आप यहाँ हो नहीं पाएंगे, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन है। फिर नेक्स्ट नीच देखिए, ये वाली नेक्स्ट नीच है सोशल मीडिया डिज़ाइन। सोशल मीडिया डिज़ाइन के अंदर थोड़ा सा कम कॉम्पिटिशन है। उसके अंदर आप देखिए नेक्स्ट वाली सर्विसेज है इलस्ट्रेशंस, इसके अंदर इतना कंपटीशन है। तो इससे सबसे पहले आप कंपटीशन चेक कर लीजिए। तो ये देखिए कार्टून एंड कॉमिक्स, कार्टून एंड कॉमिक्स में बहुत कम कंपटीशन है। तो अगर आप इस वाले नीच में जाते हैं ना, तो आपको जल्दी ऑर्डर मिल जाएंगे, चांस ये है, क्योंकि आप यहाँ पर जाकर चेक भी कीजिए, टॉप रेटेड है, लेवल टू सेलर्स। तो यहाँ पर भी आपको लेवल टू ही दिख रहे हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर लेवल वन सेलर, एक यहाँ पर रैंक है देखो ये वाला सेलर। तो इस तरीके से कुछ सेलर्स यहाँ पर दूसरे भी आपको मिल जाएंगे, इनसे आप थोड़ा आगे जाएंगे अगले पेज पर चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर अच्छा से लोगों को ऑर्डर मिल भी रहे हैं और आप यहाँ पर रैंक भी हो सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से चलेंगे, थोड़े कीवर्ड रिसर्च करके चलेंगे आप। तो ये तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट नीचे सबसे पहले देख लीजिए, जैसे स्टोरी बोर्ड्स पर देखिए बहुत कम कॉम्पिटिशन है, 947 सर्विसेज ऑलरेडी। तो अगर इसमें आप जाते हैं तो आपको मेरे को लगता है अच्छा खासा ऑर्डर देखने को मिल जाएंगे। पर ये देखिए वर्क भी यहाँ पर अच्छा खासा लोगों को मिल रहा है। तो हो सके अगर आप भी ग्राफिक डिजाइनिंग में और आपको स्टोरी बोर्ड्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप इस वाली स्किल को चूज़ कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा एज मिल जाएगा दूसरों के बजाय पे। आप यहाँ पर इजीली रैंक भी हो सकते हैं अगर आप थोड़ी सी कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं। तो ये देखिए लेवल वन सेलर, इसने 13 ऑर्डर कंप्लीट किया, अभी 13 रेटिंग इसको मिल चुकी है। तो मतलब यहाँ पर थोड़ा सा स्कोप है आपको अच्छा खासा। तो इस तरीके से आप अच्छी नीच सेलेक्ट कर सकते हैं। और हो सकता है अगर आप नीच सेलेक्ट नहीं करते हैं पर आपको वर्क अच्छे से आता है, तो फिर उसी के अंदर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे कीवर्ड वगैरह और आप सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि आप न्यू भी हैं, आपके पास अभी पता नहीं है आपको कौन सी नीच आपको सिलेक्ट करना है, तो ये आपको तरीका फॉलो करना है नीच सिलेक्ट करने के लिए। तो इसे आप सबसे पहले देख लीजिए। अब मैं समझता हूँ कि आपने जो है कुछ सर्विसेज देख ली, जैसे पॉडकास्ट कवर देखिए, पॉडकास्ट कवर के ऊपर बहुत कम कंपटीशन है।
तो आपने समझ लीजिए पॉडकास्ट सर्विस, पॉडकास्ट के कवर डिजाइन करने की सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे, आपने सिलेक्ट कर लिया है। तो अब ये तो हो गया पॉडकास्ट कवर आर्ट। सबसे पहले आप देखिए सेलर की डिटेल्स कि इसके अंदर टॉप रेटेड सेलर कितने हैं। तो देखिए इसके अंदर टॉप रेटेड सेलर 17 हैं, मतलब कि अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे होंगे तभी पीपल टॉप रेटेड सेलर इसके अंदर बन रहे हैं। लेवल टू सेलर्स भी अच्छे खासे इसके अंदर, तो आप इस चीज़ को चूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप जाकर इसमें ऑर्डर देखिए कि लोगों को ऑर्डर कितने मिले हैं, आप थोड़ा सा इनसे चेक भी करिए, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार आप देखते हैं कंपटीशन बहुत कम है, गिग बना लेते हैं लेकिन लोगों को ऑर्डर ही नहीं मिल रहे हैं क्योंकि लोग उस चीज़ को सर्च ही नहीं करते हैं। तो आप पहले ऑर्डर भी देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अच्छे खासे लोगों को ऑर्डर मिल चुके हैं और लोगों ने अच्छे अच्छे ऑर्डर कंप्लीट किए यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये सर्विसेज भी बहुत अच्छी है, आप इस सर्विसेज इसकी जो सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर हमने देखा एक तो ये वाला सर्विस, एक ये हमने ये कार्टून वाली सर्विसेज देखी, इनमें जो है कंपटीशन कम है तो आप इन कंपटीशन इन सर्विसेज के ऊपर जा सकते हैं। जैसे ये तो हो गया पॉडकास्ट कवर आर्ट, तो आपने ऐसे अपनी नीच सिलेक्ट कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ना इसके अंदर और भी रिसर्च बताऊंगा मैं कि पॉडकास्ट कवर आर्ट के अंदर कौन कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जिन कीवर्ड पर आप रैंक हो सकते हैं, उन कीवर्ड को कैसे फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके सबसे पहले आपको नीच सिलेक्ट करनी है। मैंने आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का बताया है कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पर जाइए, उनका कंपटीशन देखिए और अपनी नीच सिलेक्ट कर लीजिए। जिस नीच के अंदर कंपटीशन कम है और ऑर्डर अच्छे खासे मिल रहे हो उस नीच को आपको सिलेक्ट करना है। तो ऐसे नीच सिलेक्ट कर लीजिए आप। और इसके अंदर और भी ऐसे सेक्शन है, जैसे आप डिजिटल मार्केटर तो आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर रिसर्च कर लीजिए पहले। अलग अलग स्किल के ऊपर यहाँ पर सेक्शंस बने हुए हैं, उनको आप रिसर्च कर लीजिए। तो ये स्किल्स कुछ यहाँ पर मेंशन है, वो स्किल्स हैं, कुछ ऐसी स्किल्स भी यहाँ पर मेंशन नहीं है उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे अभी ग्राफिक डिजाइन के अंदर तो आपको थंबनेल डिज़ाइन का यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा, अभी आपको थंबनेल डिज़ाइंस वगैरह का यहाँ ऊपर ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो आपको वो कहाँ से मिलेंगे, उन स्किल्स के बारे में आपको पता कैसे लगेगा वो मैं आगे देखने वाले हैं, कैसे आपको पता लगाना है उन स्किल्स के बारे में, उन स्किल्स के बारे में बताने वाला हूँ आपको। तो ये तो बात हो गई इन चीज़ों की। इसके अलावा मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी पहले जिसमें मैंने बताया था कुछ ऐसी इसकी आपको नीशेस बताई थी जिनमें कंपटीशन बहुत ही कम है, उन नीशेस के ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। तो आप उस वाली वीडियो को भी आपको एक बार चेकआउट कर लीजिए, तो आपके बहुत सारे डाउट उससे क्लियर हो जाएंगे। मैंने हर स्किल के अंदर उसमें कुछ ऐसी नीशेस बताई थी जिनमें कंपटीशन बहुत कम है जिनके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं, तो आप उस वाली वीडियो को भी एक बार चेकआउट कर लीजिए। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा कैसे आपको नीश चूज करनी है, जिस नीश के अंदर कंपटीशन कम हो और जिस नीश के अंदर ऑर्डर अच्छे खासे मिल रहे हों, आपको वही नीश चूज़ करनी है। देखो क्योंकि अगर आप ऑलरेडी उस नीश के अंदर जा रहे हैं जिस यहाँ पर कंपटीशन बहुत है, तो एक तो आप भले कीवर्ड चूज़ करेंगे ना तो भी आपका रैंक होना बहुत मुश्किल है उस कीवर्ड के ऊपर। तो आपको ये बता रहा हूँ, आपको ये चूज़ नहीं करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हुआ। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नीचे रिप्लाई कर दूंगा। और कुछ अगर आपका डाउट बड़ा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।